पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और मैं अपने यहाँ खेड़ी रामनगर ये गांव आगे अमीन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ और लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का बड़ा प्यार है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, ज़बरदस्त देश का विकास, प्रदेश का विकास और उस विकास को लेकर के आने वाला जो समय है, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा गांव एकत्र है। गांव के साथ साथ नज़दीक के गांव के माननीय सरपंच महोदय एकत्र हैं और एक भारी उत्साह लोगों में है। आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी, जिसने इस भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा किया है, सभी लोगों में इस बात को लेकर के चर्चा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से 10 की 10 कमल का फूल खिला करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है, बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उपलब्ध हो जाता है और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था। मनोहर लाल जी ने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का जो हरियाणा के अंदर काम किया है, CM विंडो के माध्यम से घर बैठे लोगों को न्याय देने की बात है और आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का अधिकार है। लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जब 2024 का ये चुनाव होगा तो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी और दिल्ली के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये रचना कार्यक्रमों की बनेगी और जैसी जैसी बनेगी तो आप लोगों से बातचीत करेंगे। 2 नवंबर को अमित शाह जी आने का नाम, 2 नवंबर को आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे बेनिफिशरीज हैं अंत्योदय के, वो उनसे बात करेंगे कि जो लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजनाएं हैं और उन योजनाओं का 0 ग्राउंड के ऊपर लाभ मिल रहा है, आदरणीय अमित शाह जी उन लोगों से बात करने वाले हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर, उनकी तकदीर बदलने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, ज़बरदस्त काम किए हैं। आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और अमित शाह जी उन लोगों से बात करेंगे। रैली होगी, कार्यक्रम उठाएंगे, क्या अंत्योदय के जो बेनिफिशरीज हैं मैंने बताया है, जो लाभार्थी हैं किसी न किसी रूप के अंदर सरकार ने उन तक लाभ पहुंचाया है, नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर जब चुनाव होता था एक बात आती थी, गरीबी हटाएंगे, और वो गरीबी उनके पास 55 सालों में नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 9 वर्षों में गरीब तक वो लाभ पहुंचाने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर खड़ा होकर के मजबूती से पहरा दिया ताकि कोई व्यक्ति छूट ना जाए और गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुँचा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।